हेलो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एन सी आर टी एक्सरसाइज़ प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम नंबर फोर पॉइंट टू सेवन एंड प्रॉब्लम नंबर फोर पॉइंट टू एट है पेज नंबर वन थर्टी फाइव ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ठीक है ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं इंटर रिलेटेड है, है इसीलिए मैंने एक ही आ, वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश की है तो हम स्टेटमेंट देखते हैं ड्रॉ डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड एंड ए ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इन सी टू एच फोर एंड सी टू एच टू मोलिक्यूल्स ठीक है आपसे बोला गया है कि इनमें जो सी टू एच फोर में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है और सी टू एच टू में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है आप डायग्रामेटिकली जो है इसको एक्सप्लेन करो राइट right? एंड सेकेंड वन इज वट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स अगैन आपके पास सी टू एच टू दिया गया एंड सी टू एच फोर दिया गया मतलब आपके पास इथिन की बात की हुई है यहाँ पे ठीक है दिस इज इथीन ओके एंड ये हमारे पास इथाइन है ठीक है इन्होंने बोला है कि इथिन और इथाइन में कितने नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं आपने ये बताना है ठीक है तो ये सॉल्व करने से पहले हम इनका लुइस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बना के देखेंगे जिससे क्लियर होगा कि इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं राइट सो अब मेरे पास अगर मैं इनका लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो मेरे पास कार्बन जो है इसके पास वेलेंस फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन हमारे पास वन एस टू टू एस टू एंड टू पी टू आती है कार्बन का आ, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया अब हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा आ रहा है सी टू एच फोर राइट अब सी टू एच फोर में दो कार्बन है ठीक है तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ तो एक कार्बन आ गया दूसरा कार्बन आ गया इसमें चार हाइड्रोजन है सी बात है कि एक हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन वन कार्बन वन के साथ बॉन्ड बनाएगा ठीक है हाइड्रोजन टू अगर मैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूं तो हाइड्रोजन टू जो है वो भी कार्बन वन के साथ बॉन्ड बनाएगा ठीक है एंड हाइड्रोजन थ्री जो है कार्बन टू के साथ बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन फोर भी कार्बन टू के साथ बॉन्ड बनाएगा राइट अब हमारे पास कार्बन में फोर वेलेंस इलेक्ट्रॉन है ठीक है अब हाइड्रोजन के पास एक वेलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है वो क्या करेगा एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर करके ठीक है कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा और खुद का डुप्लेट भी ठीक है अब इसमें ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन जो है उससे हमारे पास एक बॉन्ड आता है तो एक बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो गया राइट अब दूसरा हाइड्रोजन भी सेम चीज करेगा नाउ अगेन एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो गया अब ये तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन वन क्या करेगा कार्बन टू के साथ शेयर कर लेगा ठीक है तो इसके पास अब दो इलेक्ट्रॉन आ गए ठीक है ये क्या करेगा इस कार्बन के साथ शेयर कर लेगा नाउ कार्बन वन का जो अगर मैं देखूँ तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया ठीक है इसमें एट इलेक्ट्रॉन आ गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ठीक है अब कार्बन टू जो है वो भी सेम वे में चलेगा ठीक है उसने क्या किया उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया ठीक है एंड uh, दो इलेक्ट्रॉन जो है इसने कार्बन वन के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं सो so, दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो बैलेंस uh, हो गया ठीक है और जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया सो नाउ वी आर हैविंग C डबल बॉन्ड C एंड H, हियर वी आर हैविंग वन मोर H, ठीक है ये H आ गया नाउ पहले हम इसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे सो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में क्या आएगा कि हमारे पास वेलेंस ऑर्बिटल्स जो हैं वही इन्वॉल्व होती हैं सो so, एक एस हो गई और ए तीन जो हैं हमारे पास पी ऑर्बिटल्स आ जाएंगी ठीक है सो so, दो इलेक्ट्रॉन इसमें है दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इसमें आ रहे हैं ठीक है अब हमारे पास बॉन्ड कितने बन रहे हैं बॉन्ड मेनली हमारे पास फोर बॉन्ड्स बन रहे हैं ठीक है तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है ये हमारे पास

ठीक है टू पी एक्स में एक है टू पी वाई में एक है और टू पी जी में एक है ठीक है ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिग्रेशन आ गई है कार्बन की ठीक है अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी या आप कह लो कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग है ठीक है वो किस केस में प्रेजेंट होगी वो हमारे पास टू एस में आती है ठीक है टू पी एक्स में और टू पी वाई में ठीक है टू पी जी जो है इसमें हमारे पास हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती या एंड टू एंड ओवरलैपिंग जिसको आप कहते हो वो पॉसिबल नहीं है ठीक है तो ये क्या करेंगे ये आपस में तीनों ऑर्बिटल्स जो है कंबाइन करेंगी और sp2 टू जो है बना देंगी ठीक है ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाती है अगर हम इथीन का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं आपस में कंबाइन करके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देती है ठीक है ये हमारे पास एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन आ गई और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो जो है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देती है ठीक है अब इसमें क्या होगा जो हमारे पास एस पी आई है उसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा हियर वी आर हैविंग सेकेंड हाइड्रोजन ठीक है ये कार्बन वन की बात हो रही है ओके एंड कार्बन टू का भी अब सेम वे में ही आएगा ठीक है यहाँ पे हमारे पास एस पी टू जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं मतलब एस और जो दो पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही हैं वो ऐसे करके एक क्लोवलीव शेप बना देंगी और जो अनहाइब्रेडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी ठीक है इसमें भी सेम वे में आ गया एक हाइड्रोजन आ गया ठीक है दूसरी ऑर्बिटल के साथ दूसरा हाइड्रोजन आ गया ठीक है एक बॉन्ड जो है कार्बन वन ने कार्बन टू के साथ बनाया हुआ है ठीक है और कार्बन वन के दो बॉन्ड आ गया हमारे पास अब ठीक है अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास एंड टू एंड ओवरलैपिंग आती है ठीक है इस एंड टू एंड ओवरलैपिंग को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं ठीक है जिसमें क्या हो रहा है कंप्लीट हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है वो आ रहा है तो दिस बॉन्ड इज नॉन एज सिग्मा बॉन्ड राइट अब यहां पे कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है ठीक है लेकिन यहां पे जो है एक ही बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रहा है तो दूसरा बॉन्ड कैसे बनता है हमारे पास फेशियल इंटरेक्शन से ठीक है कि जो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करती हैं वो एक दूसरे के साथ एक अट्रैक्शन शो करती हैं ठीक है एंड उस अट्रैक्शन के बेसिस पे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एंड दिस बॉन्ड इज नॉन एज पाई बॉन्ड ठीक है अब ये जो हमारे पास टू पी जी आ रही थी अनहाइब्रेडाइज्ड ऑर्बिटल ठीक है इसने क्या किया इसने इंट्रैक्ट करके दूसरी टू पी जी के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर दिया राइट right? तो अब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है तो आप कह सकते हो कि हमारे पास इथीन के केस में सिग्मा बॉन्ड फाइव आ रहे हैं और पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं पाई बॉन्ड हमारे पास सिर्फ एक ही आ रहा है राइट right? अब इसको आप याद कैसे रख सकते हो अगर मैं इसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर देखू सी डबल बॉन्ड सी एच एंड हियर आई एम हैविंग एच ठीक है अगर हमारे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड आ रहा है वो सिग्मा रिप्रेजेंटेशन देगा ठीक है अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है उसमें से एक सिग्मा होगा एक पाई होगा एंड सिंगल अगेन हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आएंगे सो so, कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव

हर एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन आएंगे एक एक हाइड्रोजन आएगा ठीक है अब ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन ने अपना जो एक वेलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी कार्बन के साथ शेयर किया और क्या बना दिया हमारे पास सिंगल बॉन्ड बना दिया सेम वे यहाँ पे अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास थ्री इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं ठीक है और इसको रिक्वायर्ड भी कितने हैं थ्री इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है, है सेम कार्बन टू की बात है इसको भी इसमें भी थ्री इलेक्ट्रॉन है उस, और इसको भी रिक्वायरमेंट थ्री की है तो ये क्या करेंगे ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे राइट तो नाउ यू विल हैव सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एंड एच राइट अब इसकी जो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है वो अगर मैं देखूं तो इसमें अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर रही हूं तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास 2s में दो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के ठीक है और टू पी में दो इलेक्ट्रॉन है राइट अब यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने है हाइड्रोजन हमारे पास एक कार्बन के लिए सिर्फ एक हाइड्रोजन है मतलब कि एक बॉन्ड जो है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आएगा ठीक है और एक कार्बन ने क्या किया हुआ है दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है ठीक है तो एक दूसरा वाला कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा बाकी जो दो बॉन्ड है वो हमारे पास फ्री रह जाएंगे ठीक है तो आप कह सकते हो कि एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं बात करूं और मैंने अगर सारा का सारा ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा ये जो नेक्स्ट 2s में इलेक्ट्रॉन था ये कहाँ मूव कर जाएगा ये हमारे पास 2p z में मूव कर जाएगा ठीक है ये हमारे पास 2p x आ गई ये 2p y एंड दिस वन इज 2p z अब हमारे पास जो एक्चुअल में ट्रू बॉन्ड्स बन रहे हैं वो कितने हैं वो दो ही है. एक कार्बन कार्बन वन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और एक कार्बन वन जो है वो कार्बन टू के साथ बना रहा है ठीक है तो इसकी जो अगर मैं ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन बताऊं इसमें क्या होगा कि जो टू एस है वो एस टू पी एक्स के साथ मिलके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना लेगा सो so, ऑर्बिटल आ गई अनहाइब्रिडाइज्ड का मतलब है कि ये आपस में ओवरलैपिंग शो नहीं कर रही है ठीक है अगर इसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन बताना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी ठीक है एंड दूसरी कार्बन जो है वो इसके साथ ओवरलैपिंग शो कर लेगी राइट तो ये हमारे पास एक ट्रू बॉन्ड जो है एंड टू एंड बॉन्ड बन गया दैट इज सिग्मा बॉन्ड ठीक है एक कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगी एंड टू एंड दैट इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड ठीक है दूसरी कार्बन जो है दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगी अगेन हमारे पास एंड टू एंड ओवरलैपिंग आ रही है सो इट इज सिग्मा राइट अब हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन कौन सी रह गई हैं एक तो हमारे पास आ, टू पी वाई रह गई है और एक टू पी जी रह गई है ठीक है अगेन यहां पे भी सेम चीज होगी टू पी वाई ठीक है एंड टू पी जी अब इसमें क्या होता है कि ये जो टू पी वाई मतलब कि जो हमारे पास ऑब्वियसली अब तीन इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग हो रही है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में आ गया ठीक है दो इलेक्ट्रॉन जो है वो बच गए तो ये दूर दूर से एक फेशियल इंट्रैक्शन जो है वो शो करनी स्टार्ट कर देते हैं ठीक है ये टू पी वाई जो है इसके साथ इंटरेक्ट करेगा राइट सेकेंड कार्बन के टू पी वाई के साथ और टू पी जी जो है वो दूसरे कार्बन के टू पी जी के साथ इंट्रैक्शन शो करेगा राइट तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ऑब्वियसली ये जो दूर दूर से या आप कह लो कि फेशियल इंट्रैक्शन आ रही हैं ठीक है इनको हम पाई इंट्रेक्शन कहते हैं सो so ये पाई बॉन्ड बन गया इसमें भी हमारे पास पाई बॉन्ड आ गया तो अब कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं हमारे पास वी आर हैविंग टू पाई बॉन्ड्स सो सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए सिग्मा बॉन्ड्स इन सी टू एच टू वी आर हैविंग थ्री फाइव बॉन्ड जो है वो कितने आ रहे हैं दैट आर टू ठीक है अब इसको आप सिंपली याद कैसे रख सकते हो हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सो वी आर हैविंग सी ट्रिपल बॉन्ड सी ठीक है एच एंड एच ठीक है अब जो हमारे पास एंड टू एंड इसमें ओवरलैपिंग हो रही है उसको हमें हमेशा सिग्मा बॉन्ड कहते हैं ठीक है तो ऑब्वियसली एक सिग्मा बॉन्ड आ गया ठीक है अब ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड आता है और दो पाई बॉन्ड आते हैं ठीक है अगेन इसमें कार्बन जो है इसमें हाइड्रोजन uh, के साथ जो बॉन्डिंग शो करेगा तो ये हमारे पास सिग्मा रिप्रेजेंटेशन देगा सो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स वी हैव थ्री सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है इन इथाइन